Oi, 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 oi. ओके सो हाय गाइज, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, उम्मीद है सब बढ़िया होगा, और नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा बढ़िया। तो अभी तक देखा होली कंप्लीट हो गया है। मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी वीडियो का क्या करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत रॉ शूट किया है, बहुत ही ज़्यादा शूट किया है एक्चुअली, बट हर जगह सेम सेम ही दिख रहा है। तो अभी मैं इसे कितना कट करूँगा, कितना एडिट करूँगा, पता नहीं। ओके, बैक ऑन बाइक। यहाँ पे होटल पे खाना खाया, वो दुर्गा टेम्पल है ना, उधर से सीधा सीधा आके 200 मीटर पे ये होटल है। बाकी थोड़े छोटे बहुत होटल है, बट ये थोड़ा अच्छा था। खाना तो देख लो। अभी हम लोग जा रहे हैं अइहोड़े फोर्ट पे, जो पीछे ही है, उधर पहले जाते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। और बस यही बोल रहा था कि खाने पर ज़्यादा आज एक्सपेरिमेंट नहीं किया, चुपचाप से दाल खिचड़ी खा ली, क्योंकि 2-3 दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इतना कुछ अच्छा जमा नहीं खाना। और हेलमेट पे कैमरा अभी इसके लिए लगाया क्योंकि जब सुबह आ रहे थे ना, तब मैंने मतलब एक्चुअली कैमरा नहीं लगाया था। और रोड इतना सही है ना, व्यू बहुत सही है, देख लो। पत्तडकल 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर अइहोड़े, और वो रहा फोर्ट। केव है और फोर्ट है। यहाँ पे देखोगे ना, हर जगह ऐसे टेम्पल्स दिख जाएंगे, अलग अलग बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मतलब हर गली में एक टेम्पल है। रास्ते ऐसे ही गांव से हो के जाते हैं। अभी क्या पता, यहाँ पे शायद गाड़ी लगा के जानी पड़े, या गाड़ी ले जा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, लेट्स सी, लेट्स पार्क ओवर हियर। वापस बैठ गया। स्मॉल करेक्शन, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। इन अंकल ने कहा कि यहाँ पे पार्क मत करना, गाड़ी आती है। फिर हमने पूछा कि फोर्ट के लिए यही है क्या, फोर्ट के लिए पार्क कहाँ करें? तो उन्होंने कहा कि ऊपर, तो मतलब आधे रास्ते तक गाड़ी जाती है पीछे से, तो अभी वहाँ निकल रहे हैं। देखते हैं आगे कौन सा रोड है। बाय 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 बाय। बच्चे गाड़ियाँ देख के बहुत एक्साइट हो जाते हैं। बाय बाय। तो ये है रास्ता। ओहो, अनादर ऑफ रोड, ठीक है, चलेगा। इधर पूरा ऑफ रोड ही है। और मेरा टॉप बॉक्स इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना, उसका एक पैकिंग है ना, वो कहीं पे तो गिर गया है उस दिन वाले ऑफ रोड के वजह से, तो तब से वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ओके यार, ये ऊपर है अपना, गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गया है। और ये दो बच्चे, हाय हाय करो, हाय। इनको हिंदी नहीं आता, मुझे कन्नड़ा नहीं आता है, तो दिल की भाषा से बातचीत चल रही है। अगली बार मैं सीख के आऊँगा। ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय बेड़ो, बाय बाय। 50 सीढ़ियाँ होंगी आई गेस। ठीक है, ऊपर देखते हैं। ये केव है, ऊपर फोर्ट है, फोर्ट पे सिर्फ एक मंदिर है, इतना ही पता है अभी तक तो। और ये देख लो, ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, ये छत है ना, पूरी मिट्टी की छत है, लकड़े का बेस रहता है, और उसके ऊपर ये 1 फुट तक मिट्टी डाली हुई होती है, उसकी छत है। पता नहीं गोप्रो में कितना दिख रहा है, और ऊपर से भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे घर ऐसे होते हैं मोस्ट ऑफ। जो मॉडर्न है वो तो उनकी अलग बात है, बट ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, तो इनके घर ऐसे ही होते हैं हमेशा। ये सारा, और जो मैं छत बोल रहा था ना, हर एक छत देख लो। अपने यहाँ पे तो मॉडर्न, मतलब अपने यहाँ पे नहीं, मुंबई में मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट वाली होती है, यहाँ पे अभी भी सारे घरों में ऐसी है, मोस्ट ऑफ घरों में। बदामी में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एंड मुझे पता है पत्तडकल में भी सेम ही होगा। ओके, देख लो, तो ये इतना ही है पूरा। पर ये टेंपल है, मैं बोल रहा था ना एक ऊपर सिर्फ एक टेंपल है तो वो टेंपल है। धूप बहुत ज़्यादा है पर ठीक है, अभी क्या घूमने आए तो इतना तो बनता है। अंदर जाके देखते हैं। नो देयर इज नो मूर्ति, डाउट मूर्ति। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सारी मूर्तियाँ हैं ना, ये लोग ने आई गेस निकाल के म्यूजियम में रखी है या किसी दूसरे मंदिर में शिफ्ट की है जहाँ पे पूजा होती होगी। अंदर सारा बैट्स का चंगा लड़का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो मेरी तो फट रही है अंदर जाने में। वो है बैशियन और ये पूरा एरियल भी ऐसा है। सनसेट क्या मस्त दिखेगा यहाँ से। और ये पूरा इतना, ये और एक बुरुज और ये एक मंदिर। तो अभी बस पत्ताडकल जाएंगे और फिर आगे का समझते हैं। कल तो जाना है हॉस्पेट हम्पी। हम्पी में मोस्टली होम स्टेज है तो हम सोच रहे हैं कि हॉस्पेट जाए। वो है ना वहाँ पे सामने दिख रहा है, वहाँ पे भी केव्स है तो वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि पत्तडकल फिर लेट हो जाएगा और 6 बजे सब बंद हो जाता है। तो इसके लिए अभी सीधा निकलता है पत्तडकल। पत्तडकल में मोस्टली टेंपल ही है, वही दिखेंगे। तो ये है बाइक 1 बाइक 2 3 बाइक 4 और आगे बाइक 5। तो बेसिकली अपने पास हर सेगमेंट की बाइक है। ट्रैवलर बोल लो, क्रूज़र बोल लो, एडवेंचर बोल लो, जो भी सारे सेगमेंट की बाइक है। और ये एक राइडर अमर सर, ही इज़ अ न्यू राइडर। पीछे 2 आ रहे हैं, अभी ही इज़ अ न्यू राइडर एंड देन उसके पीछे विशु, ही इज़ ऑल्सो न्यू राइडर। मतलब सिटीज़ में राइड करते हैं, इतनी लंबी राइड इन्होंने पहली बार की है। और पत्तडकल 11 किलोमीटर्स, जहाँ पे हम थे अयोध्या में, वहाँ से पत्तडकल है 13 किलोमीटर्स। तो अभी 11 किलोमीटर जाना है। रोड बहुत सही है, व्यूज़ अच्छे हैं। थोड़ा सनलाइट की वजह से अभी कितना क्लियर दिख रहा है पता नहीं है। ओहो थैंक यू भगवान जी, सनलाइट कवर हो गया, अभी और अच्छा दिखेगा व्यू। बस पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल भी डालना है बट अभी के लिए उतना है क्योंकि 20 किलोमीटर्स में ही अपना होटल है। और ये रोड है, बहुत सही रोड है, कंडीशंस बहुत मस्त है रोड की, तो मज़ा आएगा। मतलब मुझे ना अभी हर एक की अलग अलग चॉइस होती है। मुझे हाईवेज़ भी पसंद है, मुझे ये रोड भी पसंद है बट अगर कंपेयर करोगे ना तो मुझे ये वाले रोड ज़्यादा पसंद है। बस इतना कि रोड अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये रोड बहुत खाली होते हैं, शोर शराबा नहीं होता है, गाँव वाला वाइब होता है, फील होता है। बस ऐसे कोई बीच में आ जाए तो थोड़ा संभाल के। एनीवेज आप यहाँ पे कॉर्नरिंग ज़्यादा होती है, सब होता है। और हाईवेज़ पे क्या सिर्फ एक्सेलरेटर दो, कुछ चेंज मत करो, गियर वियर खींचते रहो अगर खाली हो तो। अदरवाइज़ फिर ट्रैफिक लग गई तो फिर हर बार चेंज ही करना पड़ेगा। और हाँ वाइब की बात हो रही थी ना, तो इधर देखोगे ना, इधर का वाइब ही अलग है। और थोड़ा वाइब मुझे कहाँ का मैच लग रहा है, ये राजस्थान का जो ये पहाड़ है ना, मतलब वॉल्केनिक इरोजन से बने ये, तो उसके हिसाब से मुझे मतलब राजस्थान भी मैं घूम चुका हूँ पहले। तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था बेसिकली बट मैं घूमता तो पहले से था और मैं बहुत घूमता रहता हूँ, मुझे पसंद है। बट ये चालुक्य डायनेस्टी है, वहाँ पे कुछ अलग होगा। और द्रविडियन स्टाइल के ज़्यादा टेम्पल है यहाँ पे, जितना मैंने पढ़ा है या मुझे पता है। ठीक है अलग भी होगा, गालियाँ मत देना क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा इतिहासकार नहीं हूँ जो आपको हर एक चीज़ बता दूँ, बट जो हम लोग फील करते हैं मैं बस वही बताता हूँ। ओके सो बादामी 25 किलोमीटर्स जहाँ पे हमारा होटल है और पत्तडकल 1-2 किलोमीटर बचा है। कहीं पे ना पत्तडकल लिखा है, कहीं पे पत्तडकल्लू लिखा है। अभी इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो पता नहीं है, लोकल लोगों से पूछना पड़ेगा एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। बट उन्हें भी ज़्यादा मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत है। अभी तो फ़िलहाल बातें दिल की बातों से ही हो रही है। वैसे दिल की बात से याद आया, एक रफ्तार का गाना था दिल्ली वाली बातचीत, उसके ऊपर ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिल्ली वाली नहीं, यहाँ पे दिल वाली बातचीत हो रही है। और ये देखो ये कौन दिख रहा है ना, ये बहुत जगह दिखेंगे रास्ते पे ऐसे कौन सुखाने के लिए रखे हैं। लेकिन एक ही डाउट है, इतनी धूप में ये पॉपकॉर्न नहीं बन जाएंगे? कोई नहीं, तो पत्तडकल आ रहा है यहाँ पे। ओके सो पत्तडकल में एंट्री कर चुके हैं और पीछे है विरूपाक्षा टेम्पल, द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल जो बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फ़ोटोज़ में आपने देखा होगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है एंट्री टिकट 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 25 रुपीज़ कैमरा के लिए। अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफी या कुछ भी शूट करना चाहते हो तो 25 रुपीज़। तो मैं गोप्रो से कर रहा हूँ, फिर भी 25 रुपीज़ का टिकट मैंने ले लिया। और ये है आगे पूरा टेम्पल, ये पूरा। ये द्रविड़ स्टाइल वाला है, वो नागा स्टाइल, नागरा, वो नागरा स्टाइल। ये है यहाँ का फेमस अट्रैक्शन विरूपाक्ष टेम्पल। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये मल्लिकार्जुन टेम्पल है। साल देख लो 733-44। मतलब ये जितने भी बने हैं ना बादामी पत्तडकल, ये सब एक ही टाइम पे बने हैं। और आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ये महाभारत वॉर वाला है, देख लो। ये में भी अर्जुन कर्ण, महाभारत वॉर, और वहाँ पे रामायण। तो ये उस टाइम पे बना है। तो जिनको लगता है रामायण महाभारत फेक था, नहीं था। हर जगह है, देखो ये वो पूरा महाभारत रामायण का थीम है ये। और ये उस टाइम पे बना था, ये देख लो। हर पिलर पे है, हर पिलर पे एक अलग स्टोरी है। हा जो पोर्शन है ना, तो नखा अबक, ये देख लो। ये एक ही है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। बट ऐसे कवर करोगे ना एक साइड से, तो एक साइड से कवर करके हाथी दिखेगा। अगर ये ऐसे देखेंगे तो हाथी, और ये साइड से कवर करेगा तो नंदी दिखेगा। ये सेम औरंगाबाद टेम्पल में भी इन लोगों ने। यहाँ पे भी वैसी स्टोरीज है, ये हर एक स्टोरीज है, बस हमें पता नहीं है। हर एक पिलर पे ये सामने सुंदर सी शिवलिंग। गोप्रो में ठीक से नहीं देख रहा है, लेकिन मेरी आँखों दिख रहा है, लाइट कम है ना। और ये पूरा मंदिर, सेम है उसी मंदिर जैसा, बट यहाँ पे थोड़ी अलग स्टोरी है। बाल कृष्ण वाली स्टोरी लग रही है, बट है। देख लो यहाँ पे भी रहता है। और ये एक टेम्पल में कम से कम 1000 स्टोरीज तो होंगी आराम से। के तो हो गया, बस इतना ही है पत्तडकल में। ये एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे मंदिर हैं, तो वो सब तो देख के हो गए। बस यहाँ पे शांत लग रहा है, वहाँ पे सनसेट हो रहा है। मैंने छोटा सा शॉट लिया था सनसेट का, बट देन बंदर आ रहे थे। मैंने सोचा कहीं कैमरा लेके ना भाग जाए। और वो लोग छीनते भी है, अगर आपके बैग में कुछ है, मतलब वो खाने के लिए ढूंढते हैं, उन्हें मतलब नहीं कैमरा से, लेकिन फिर भी लेके जाते हैं। तो इसके लिए मैंने वो सनसेट वाला शॉट बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा था, थोड़ा सा लिया है। अभी भी सनसेट हो रहा है वहाँ पे, लेकिन बादल है तो इतना सनसेट तो दिखने नहीं वाला। परमिशन है? हाँ। ओके तो बेसिकली ट्राईपॉड का परमिशन नहीं है, तो वो पूछने आए थे कि कैमरा का वो मतलब स्लिप लिया है या नहीं, तो मैंने ट्राईपॉड निकाल दिया, अभी हाथ में पकड़ा है GoPro, तो कोई बात नहीं। वही बोल रहा था कि सिटी के भागदौड़ से थोड़ा दूर अच्छा लग रहा है, और अभी मतलब हर जगह वही दिख रहा है, सब सेम ही लग रहा है। बट एनीवेज आज का दिन यही ख़त्म होगा, अभी सिर्फ होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे और जो भी है बाकी इतना ही है। पत्ताडकल आ रहे हो तो एक कॉम्प्लेक्स में ही 40 रुपीज़ टिकट है और सारे मंदिर यहाँ पे ही है। अभी कल निकलेंगे हम्पी के लिए। हाँ, तो फिर से एक बार मोटो व्लॉग में पत्ताडकल की स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, बट दिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो देखते हैं। अभी तो पहले कुछ खाएँगे थोड़ा सा स्नैक्स में यहाँ पे क्या इडली वड़ा सांभर वही वैसे कुछ खाएंगे होटल के सामने। ये देख लो, मैं बोल रहा था ना कहीं कहीं पत्ताडकल लिखा है, कहीं पत्ताडकल्लू लिखा है, तो यहाँ का मेन प्रोनाउंसिएशन आई गेस पत्ताडकल्लू है, क्योंकि बहुत थके हुए थे 2 दिन से। आज थोड़ा फ्रेश लग रहा है क्योंकि आज सुबह थोड़े लेट भी उठे थे, कल भी मैं जल्दी उठ गया था, वैसे कल लेट ही निकले थे लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ गया था, बहुत जल्दी। और मतलब आदत वही है ना 11 बजे तक सोने वाली पर एनीवेज ट्रैवल पे थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो ही जाता है, घर जाएंगे तो वापस 11 तक सोएंगे, उसूल दोस्तों उसूल। तो ठीक है, अगर ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है, आई नो वीडियो बड़ी बन रही है सीरीज़ वाली, क्योंकि बहुत सारा रॉ डेटा है दिखाने के लिए, मेरा ऐसा है कि मैं कैमरा कहाँ निकालूँ। तो एनीवेज अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है, या अगर पहले वाले वीडियो नहीं देख ले तो देख सकते हो, 3-4 वीडियो आएंगे पहले वाले, इसके बाद भी और सारे वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर अच्छी सीरीज़ लग रही है तो एक बनता है, ठीक है। और यहाँ तक अगर साथ थे तो थैंक यू सो मच भाइयों और बहनों एंड देन टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। तो बस ये बोलना भूल गया था मैं कि पत्ताडकल का है ना घूम के तो हो गया, बट अगर आप आ रहे हो ना तो थोड़ा गाइड लेके जाओगे तो आई गेस आपको अच्छे से समझेगा, एटलीस्ट वो लोग एक्सप्लेन तो करेंगे, कितना आप समझोगे वो पता नहीं। बट मतलब अभी हम लोग ने क्या गलती की, हम लोग ने गाइड नहीं लिया था तो हमें पता नहीं था, सारे टेम्पल एक जैसे ही लगते हैं, अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो सब एक जैसे ही लगेंगे। हर एक पे एक स्टोरी है जो वीडियो में मैंने आगे डाल दी होगी, तो वो स्टोरी हर एक में है, तो वो स्टोरी आपको जब तक समझेगी नहीं ना, आपका मतलब क्या बोलते हैं ट्रैवल का पैसा वसूल नहीं होगा, या फिर मूड नहीं बनेगा और देखने का, ऐसा होगा कि यार ये भी सेम है वो भी सेम है, तो गाइड कर लेना एटलीस्ट। तो ये पीछे है हमारा होटल मुकाम डीलक्स, और मेन यही पूरा लेन है, इसी लेन में सारे होटल हैं। ये मेन बादामी का बस स्टॉप है, ये पूरा लेन है, यहाँ पे ही सारे होटल। ये जो सामने दिख रहा है ना अंडुप्पी होटल, 3 दिन से हमारा नाश्ता यही हो रहा है और यही पे अच्छा मिल रहा है, अभी तो यही पे खा रहे हैं। तो अभी भी वापस स्नैक्स के लिए जा रहे हैं, कुछ मेदू वड़ा या सुबह डोसा खाया था, अभी वड़ा या कुछ ट्राई करेंगे। यहाँ पे जाके वड़ा ऑलरेडी खा चुके हैं, मस्त है, तो वापस जाके वही खाएंगे। सब लोग ऊपर हेलमेट रखने के लिए गए सिर्फ, अब भी यहाँ पे पहुँचे। टाइम हो रहा है 6:47, वहाँ पे जाते हैं और खाते हैं।